हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीकर्स अड्डा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क जो है अपने एप्टीट्यूड का, उससे बहुत ही ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं पाइप एंड सिस्टम से। तो दोनों को सॉल्व करने का तरीका जो बिल्कुल एक जैसा ही है, तो इस वीडियो में हम दोनों के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन टाइम एंड वर्क पे जाते हैं, जिसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो मान लीजिए कि आपको क्या है कि 50 काम है, यानी कि आप इसको क्या करेंगे, यूनिट्स में लेंगे हमेशा वर्क को, यूनिट में। तो 50 यूनिट का काम है जो कोई इंसान है, यानी कि मान लीजिए ए है, वो 7 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 1 डे में कितना कंप्लीट करता है, तो 50/7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आपका एक इम्पॉर्टेंट सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है यहाँ पर, MDH इज इक्वल टू यहाँ पर अपॉन क्या हो जाएगा, W1 R1। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि कोई दो ग्रुप हैं, ठीक है, जो कि सेम काम करते हैं, और उनके बीच का क्या है कि यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि M यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स हैं जो ये काम करते हैं। ठीक है, D जो है वो कितने दिनों में करते हैं, और H का जो है वहाँ पर क्या है, कितने आवर्स में कंप्लीट करते हैं। W जो है, ठीक है, W का मतलब आपका होता है वेजेस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, R जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, रेट है यहाँ पे। ठीक है, और W का आपका वेजेस है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम वहीं पे है, और आप दोनों क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, और वर्क एफिशिएंसी जो है वो 1/, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की, यानी कि अगर किसी की वर्क एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो टाइम कम होगा, और अगर वो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसकी वर्क एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। चलिए देखते हैं अब इस पर कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इफ़ ए कम्प्लीट्स अ वर्क इन 10 डेज, ये ए जो है वो 10 डेज में कम्प्लीट कर रहा है। ठीक है, बी कंप्लीट करता है कितने, 15 डेज में। ठीक है, तो आपको ये बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में ये काम कंप्लीट करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो भी दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर है, यहाँ पर है 15, आप उसका टेबल पढ़ना चालू कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि 15 1 कितना हो गया, 15 15 2 30, आप तब तक के टेबल पढ़ेंगे जब तक कि वो जो आपका आया है, ठीक है, यहाँ पर 2 30 आया, तो 13 दोनों से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इतने दिनों में 30 काम करता है, ये आपका क्या आ जाएगा, यूनिट वर्क आ जाएगा, कि इतना पूरा आपका टोटल काम है। ठीक है, तो अगर ये ए जो है 10 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 30/10, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 वर्क हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 50 बी जो है वो 15 डेज में क्या करता है, 30 वर्क कम्प्लीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30/15 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 वर्क पर डे। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क पर डे आ गया आपका, ये भी वर्क पर डे है। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि ये दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 वर्क पर डे। तो वो पूरे 30 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 डेज में वो पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। इफ़ ए कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, यानी कि ए जो है वो 10 दिन में काम करता है, बी और सी जो है वो 15 और 12 दिन में, यानी कि बी जो है वो 15 दिन में और सी जो है वो 12 दिन में काम करता है। तो यहाँ पर आपको एलसीएम निकालने का तरीका वही सेम रहेगा, आप 15 का टेबल पढ़िए जब तक के सारे जो फैक्टर्स है वो कॉमन नहीं आते। तो जो अब 15 1 15 हो गया, नहीं आता है, 2 30 हो गया, 45 भी नहीं आता है, यहाँ पर सीधे क्या आता है, 60 आता है, जो तीनों से डिवाइडेड है। तो यहाँ पर अगर 10 दिन में 60 वर्क करता है, तो एक दिन में क्या आ जाएगा, 6 वर्क हो जाएगा, यहाँ पे 4 वर्क पर डे हो जाएगा। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके निकाल रहे हो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 वर्क पर डे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पूछ रहा है कि अब ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो आपका 1 डे वर्क कितना आ जाता है, इसका 15 आ जाता है। आपको कितना काम कंप्लीट करना है, 60 काम कंप्लीट करना है, 60 यूनिट का। तो अगर ये एक दिन में 15 वर्क करते हैं, तो 60 वर्क कितने दिन में करेंगे, 4 डेज में। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। चलिए बाकी का क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, सिमिलरली बी एंड सी इन 15 डेज, एंड ए एंड सी इन 20 डेज। तो ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए ए प्लस बी कितने दिनों में करते हैं, 12 में।
बी प्लस सी कितने दिनों में करते हैं? 15 में, ठीक है। और ए प्लस सी कितने दिनों में करते हैं? यहाँ पे 20 डेज में, ठीक है। तो यहाँ पर तरीका भी वही होगा, आपको यूनिट वर्क जो निकालना है आप ऐसे ही निकालेंगे। कैसे करके निकालेंगे? यहाँ पे 60 हो जाएगा तीनों का एलसीएम, ठीक है। अब ए प्लस बी 12 वर्क करते हैं, यानी कि एक दिन में कितना करेंगे? 5 वर्क करेंगे। बी प्लस सी तो यहाँ पे 4 वर्क करेंगे दोनों मिलके, ठीक है। और ए प्लस सी जो है यहाँ पर कितने? 3 वर्क करेंगे, ठीक है। तो आप इन पूरों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12 वर्क पर डे, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2ABC, यानी कि मान लीजिए आप इसको इस एग्जांपल से समझिए कि 6 लोग जो हैं वो 12 काम करते हैं पर डे में, ठीक है। तो अगर आप उसको क्या करें, हाफ कर दें, यहाँ पर 2 है, 2 को आप अलग कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, तो उनको क्या होगा? टाइम भी यहाँ पर, मतलब यहाँ पर वर्क भी उनका क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ABC 12 वर्क करते, 2ABC जो थे वो 12 वर्क करते थे, तो ABC ओनली कितने वर्क करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी कितना वर्क करेंगे? 6 वर्क पर डे हो जाएगा इनका, ठीक है। तो आपको यही पूछ रहा है कि अगर ये 6 वर्क पर डे हो रहा है अब इनका टोटल, तो 60 काम जो है, 60 यूनिट वर्क जो है वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो यहाँ पर आपका 60 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 डेज में जो है ये ए बी और सी मिलकर आपका पूरा काम जो है वो कंप्लीट कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 20 डेज, ठीक है। तो ए आप सबसे पहले 20 डेज लिख दीजिए, उसके बाद में बी इन 25 डेज, तो बी कितने में? 25 डेज में आपका कंप्लीट करेगा, ठीक है। इफ़ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ठीक है, बट आफ्टर 5 डेज ए लेफ्ट द वर्क, ठीक है, इन हाउ मैनी डेज द टोटल वर्क वुड बी फिनिश, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए। आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 100 आ जाएगा। 100 आपका क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। अब क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए कि इफ़ दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, यानी कि वो दोनों काम करना चालू करते हैं, बट 5 दिन के बाद में ए जो है वो छोड़कर चले जाता है, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 वर्क पर डे हो जाएगा, और यहाँ पे 4 वर्क पर डे हो जाएगा। ए जो है 5 वर्क पर डे करता है, और बी जो है 4 वर्क पर डे करता है, तो इन दोनों का टोटल 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों 5 दिन साथ में काम करते हैं, तो 9 × 5 कर लीजिए, क्योंकि 9 वर्क पर डे हो जाएगा, और 5 दिन तक के साथ में इन्होंने काम किया, तो कितना हो जाएगा? 45 वर्क इन्होंने क्या किया? साथ में कंप्लीट कर लिया। तो बचा कितना वर्क? तो यानी इस पर क्या हो जाएगा? 100 − 45, 55 वर्क जो है वो उसका बचा। तो अब क्या होगा? अब ए तो छोड़ के चला गया, तो आपको कितने दिनों में टोटल वर्क कंप्लीट हुआ ये पता करना है। तो अब ये ए छोड़ के चला गया, तो क्या क्या बी ने पूरा काम किया? अब बी कितना काम करता है? 4 काम करता है एक दिन में, तो उसको 55 काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 55 / 4। सिर्फ बी अकेले काम कर रहा है, उसको 55 काम पूरे करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका? 13 3/4। आप इसको डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका क्या आ जाएगा? 13 3/4, इतने डेज में क्या करेगा? 55 वर्क कौन कंप्लीट करेगा? बी। लेकिन आपको पूछा है कि पूरा काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर 5 डेज जो है उस पर 45 वर्क कंप्लीट हुआ था, और बाद में 13 3/4 डेज है उस पर कितना? 55 वर्क कंप्लीट हुआ। टोटल वर्क आपका कंप्लीट कितने में हुआ? 18 3/4 डेज। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जिस पे आपको डाउट है, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन कंप्लीट अ कंप्लीट्स अ वर्क इन 9 डेज, ठीक है। ए जो है वो 9 दिनों में कंप्लीट करता है किसी काम को, बी इन 12 डेज, तो बी जो है वो 12 दिनों में कंप्लीट करता है। इफ़ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटली, यानी कि क्या हो रहा है कि एक दिन आपका ए काम करेगा, फिर एक दिन आपका बी काम करेगा, फिर ए फिर बी, ऐसा वो क्या करेगा? अल्टरनेट काम करता रहेगा, ठीक है। तो इन हाउ मैनी डेज द वर्क वुड बी फिनिश इफ़ ए बिगिंस द वर्क, यानी कि आपको यहाँ पर ए पहले काम शुरू करेगा, उसके बाद में बी, ऐसा वो अल्टरनेटली काम करते जाएंगे, और कितने दिनों में आपका ये पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर टोटल वर्क निकालोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा, ठीक है। तो 36 से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो जाएगा? 4 वर्क पर डे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 वर्क पर डे हो जाएगा, वर्क पर डे,
ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि ए जो है एक दिन में कितना, तीन काम, ए जो है एक दिन में चार काम करेगा और बी जो है वो एक दिन में तीन काम करेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब आपका फर्स्ट डे ए ने चालू किया, फिर उसके बाद में क्या हुआ, बी ने चालू किया, फिर ए, फिर बी। तो आप इसको ऐसे देखिए कि यहाँ पर आपको दो काम हो रहे हैं साथ में, ए और बी मिलकर काम कर रहे, तो कितना, सात काम हो रहे, कितने, दो दिन में। ठीक है, तो दो दिन में अगर आप सात काम कर रहे हैं, तो आप एक छोटा सा शॉर्टकट लीजिए यहाँ से समझने के लिए कि आप सात का कितना मल्टीप्लाई करें कि 36 के आसपास आ जाए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 35। ठीक है, तो आपका सात काम कितना, दो दिन में हो रहा है, लेकिन आपने यहाँ पर क्या किया, एक यूनिट मान के लिया है। ठीक है, तो सात का अगर आप क्या करेंगे, 10 डेज करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 35 वर्क आपका कितना हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, किसमें, 6 दिन में। ठीक है, यहाँ पर सात काम दो दिन में हो रहा है, लेकिन आपने क्या किया था, सात काम एक दिन में मान के क्या किया था, 5 डेज का मल्टीप्लाई किया था, तो 35 आपका कंप्लीट हो गया था वर्क। ठीक है, समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। एक दिन में ए चार चार काम करता है, दूसरे दिन में बी क्या करता है, तीन काम करता है, तो दोनों दिनों को मिला के वो सात काम हो रहा है। ठीक है, अब सात काम को अगर आप, ये जो सात काम है अगर जोड़ के देखें तो 5 बार करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 35 वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, आपका इवन डेज हो गया, यानी कि यहाँ पे वन डे का आपको 2 डे मिल गया, और 2 डे आपको कितना, 5 बार मल्टीप्लाई किया, यानी कि यहाँ पर 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 डेज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, 10 डेज हो गया यहाँ पे। अब 10 डेज होने के बाद में अब आपका क्या हो जाएगा, 35 वर्क आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको कितना वर्क बचा है, 1 वर्क बचा है, यानी कि आपका टोटल 36 था, आपका 35 कंप्लीट हो गया, तो आपको कितना, 1 डे वर्क बचा। ठीक है, अब ये जो आपका 1 डे वर्क बचा हुआ है वो कौन सा करेगा, आपका 10 दिन में, तो आपका ए फिर बी, ए बी, तो ऐसा 10 दिन हो गया। अब आपको क्या आएगा, फिर से आप जब 11वें दिन काम करोगे तो कौन काम करेगा, ए काम करेगा। ठीक है, अब ए काम, एक एक दिन में ए जो है वो चार काम करता है, तो एक काम करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 1/4 डे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 10 डेज और 11वें दिन का 1/4, तो यहाँ पर 10 1/4 डेज आपको पूरा काम करने में लगेगा। जब ए और बी अल्टरनेट वर्क करेंगे तो आपका जो 36 यूनिट वर्क है वो 10 1/4 डेज में आपका ख़त्म हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, अब ये वर्क एफिशिएंसी के ऊपर है। द वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 2:5 इफ़ ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय बी। यानी कि आपको क्या दिया हुआ है कि दोनों की वर्क एफिशिएंसी दी हुई है। वर्क एफिशिएंसी जहाँ पर आपको दी हुई है, डायरेक्ट आप उसको क्या कर दीजिए, वर्क से रिलेट कर दीजिए, यानी कि आपको क्या, ए जो है वो 2 वर्क पर डे करता है। ठीक है, और यहाँ पर बी जो है वो क्या करता है, 5 वर्क पर डे। ठीक है, आप इसको 2:5 है ए और बी का। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से निकाल लीजिए। अब क्या बोल रहा है आपको, ए कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, तो ए जो पूरा काम है किसको, 10 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो अगर एक कोई काम एक दिन में वो दो काम करता है, तो 10 दिन में वो कितना काम करेगा, 20 काम करेगा, 20 वर्क हो जाएगा ये। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए कि अब जब ए जो है वो एक दिन में क्या करता है, 2 काम करता है। ठीक है, और वो पूरे काम को कितने, 10 दिन में ख़त्म कर देता है। तो एक दिन में जब वो 2 काम कर रहा है, तो 10 दिन में वो कितने काम करेगा, 20 वर्क करेगा। ठीक है, तो आपका टोटल वर्क कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, अब आपको ये बोल रहा है कि बी जो है वो उस पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, बी जो है वो एक दिन में 5 काम करता है, तो वो 20 काम कितने दिन में करेगा, 20 ÷ 5 = 4 डेज। तो वो क्या करेगा, 4 डेज में जो है आपका पूरा काम जो है कम्प्लीट कर देगा। चलिए फ्रेंड्स, एफिशिएंसी के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, आपको यहाँ पर दोनों का क्या करना है, बस वर्क पर डे निकाल लेना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। यस, मैंने आपको ये बोला था शुरुआत में कि वर्क एंड टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन है वो पाइप एंड सिस्टर्न से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो चलिए एक पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि एक पाइप है जो एक सिस्टर्न को कितने, 12 मिनट्स में भरता है। ठीक है, तो भरने के लिए आप प्लस का साइन लेंगे हमेशा। अब दूसरा पाइप है, अनदर पाइप, मान लीजिए ये ए है, दूसरा पाइप जो है वो 15 मिनट में भरता है। ठीक है, अब क्या कहता है, ये 15 मिनट में भरता है, और जो तीसरा पाइप है कैन एम्प्टी इन 6 मिनट, यानी कि जो तीसरा पाइप है वो क्या करता है, खाली करता है। खाली करने के लिए आप हमेशा माइनस का साइन लेंगे, 6 मिनट्स में।
ठीक है, तो फर्स्ट टू पाइप्स आर ओपन फॉर 5 मिनट, यानी कि ए और बी जो भर रहे हैं आपके सिस्टम को, ठीक है, उसको आपने कितना 5 मिनट के लिए क्या किया, चालू कर लिया। उसके बाद में देन थर्ड पाइप ऑल्सो ओपन, यानी कि 5 मिनट के बाद में फिर तीसरे पाइप को भी आपने ओपन कर लिया, ठीक है। तो आप क्या कीजिए यहाँ पर, वही आप क्या करेंगे, पहले अपन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में टोटल वर्क निकालते थे, अब अपन यहाँ पे पूरे का एलसीएम निकाल के टोटल कैपेसिटी निकालेंगे उस सिस्टम की, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यानी कि 60 लीटर की कैपेसिटी है, ठीक है। तो अगर 60 लीटर की कैपेसिटी और यहाँ पर मिनट है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 मिनट पर लीटर ये फिल करता है, ठीक है, सॉरी 5 लीटर पर मिनट ये फिल करेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हुआ, 4 लीटर पर मिनट में ये इसको फिल करेगा, और उसके बाद में क्या है कि ये 10 यहाँ पर आ जाएगा, 10 लीटर पर मिनट में क्या हो जाता है, ये इसको एम्प्टी कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार निकाल लेनी है। सेम टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, कि यहाँ पर 60 लीटर से 12 मिनट ले रहा है, तो 1 मिनट में कितने 5 लीटर फिल करेगा, यहाँ पे 1 मिनट में 4 लीटर फिल करेगा, और 1 मिनट में 10 लीटर क्या करेगा, खाली करेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये अब आपको क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट टू पाइप्स यानी कि ए और बी जो है, जो आपके सिस्टम को फिल कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, 5 मिनट के लिए क्या है, ओपन कर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को अगर एक साथ ओपन कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, 9 लीटर पर मिनट में ये फिल करेगा, ठीक है, और इसको कितने 5 मिनट के लिए ओपन कर दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 लीटर जो है वो फिल कर देगा इस 60 लीटर की सिस्टम को, ठीक है। तो 45 लीटर पानी आ गया। अब जो है आपका क्या हो रहा है कि आपका थर्ड पाइप भी जो है वो ओपन कर दिया गया, यानी कि अब आपके तीनों पाइप जो है एक साथ खुले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन सबको प्लस कर देंगे तो कितना जाएगा, -1 लीटर पर मिनट, यानी कि अब क्या हो जाएगा, आप जब तीनों पाइप को एक साथ खोल ले रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, -1 लीटर क्या हो रहा है, पानी जो है वो हर मिनट में जा रहा है, खाली कर रहा है वो उसको, ठीक है। तो अब आपके सिस्टम में कितना पानी था, 45 लीटर पानी था, और आपके हर मिनट में कितना, 1 लीटर पानी जो है वो कम हो रहा है, तो उसको 45 लीटर पानी कम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 45 मिनट्स। अगर आप यहाँ पर आपको कुछ और रहता तो आप डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पर -1 से आप डिवाइड करेंगे तो भी आपका 45 मिनट्स ही आएगा, यानी कि अगर हर मिनट में आपका 1 लीटर कम हो रहा है तो 45 लीटर कम करने के लिए उसको 45 मिनट्स का टाइम लगेगा। यही था आपका क्वेश्चन कि व्हाट टाइम सिस्टम वुड बी एम्प्टी, यानी कि कितने टाइम में जो है वो पूरा सिस्टम जो है एम्प्टी हो जाएगा। तो आप जब तीनों पाइप को चालू कर देंगे तो 45 मिनट्स के बाद में आपका जो सिस्टम है वो पूरा खाली हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरे क्वेश्चन जो है समझ में आए हो। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो पीओ लेवल के क्वेश्चंस हैं वो अपन डिस्कस करेंगे, जो आए हुए हैं क्वेश्चन पेपर में, ये जो आपके थे वो क्लर्क के बेस के थे, ठीक है। लेकिन आपका पीओ का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपका बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए, इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया था। इस पर कुछ क्वेश्चन जो थे बहुत अच्छे थे, जैसे कि वो अल्टरनेट वर्क वाला, वो आपका आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे यहाँ पर से वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।